हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कैनेडा। सो कल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था क्योंकि 30th में पीक टाइम चल रहा है, लास्ट डेट चल रहा है आपके फॉर्म को फिलअप करने के प्रोसीजर में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने फॉर्म को फिलअप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ये विंडो है, जो टैब है, वो एक्टिव नहीं था, डीएक्टिवेट हो गया था। बट आज यानी कि 31st को ये एक्टिव हो चुका है। अगर किसी का फॉर्म अभी तक नहीं फिलअप हुआ है, आपसे मिस हो गया है, तो फटाफट से जाइए अपने अपने फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिए क्योंकि 5 बजे के बाद आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद में किसी वीडियो पे जाके कमेंट करके या कहीं पे भी आप कॉल करके या इस तरीके से आप लोग जो अपने अपने क्वेरी को बोल रहे हो, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं बना चुकी हूँ, कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके फॉर्म को जो लास्ट, और आपको खुद को भी मालूम है कि लास्ट जो डेट है वो 31st में शाम 5 बजे है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो फटाफट से जाइए, अभी 2 बज रहा है, 2 भी नहीं बजा है, 1:55 पे वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, आपके पास में 2-3 घंटे का पूरा टाइम है। आप किसी भी कैफे में भी जा सकते हो, खुद से भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। याद रखिएगा कि जो करेक्शन विंडो है वो 2nd और 3rd जून को ओपन होगी, तो कोशिश करिएगा कि फॉर्म को बहुत ही ध्यान से फिलअप करना क्योंकि करेक्शन विंडो में काफ़ी सारे ऐसे टैब होते हैं, ऐसे पार्टिकुलर्स होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। तो फॉर्म को बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देख करके ही फिलअप करिएगा। और स्क्रीन को स्विच करके मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो क्योस हो रहा था, कुछ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बीच में पैनिक की सिचुएशन बन गई थी क्योंकि फॉर्म का ये जो फिलअप का प्रोसेस है ना न्यू रजिस्ट्रेशन वाला, वो ओपन ही नहीं हो रहा था, बट अभी फिलहाल ही ओपन हो रहा है, एक बार आप भी देख लीजिए। सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है UDC की और कल जो टैब है न्यू रजिस्ट्रेशन का, ये ओपन नहीं हो रहा था, बट हाल फिलहाल में थोड़ी देर पहले इसको वापस से ओपन कर दिया गया है। तो आप फटाफट से यहाँ पे देख लीजिएगा, आप ये बाद में फॉर्म को फिलअप करने के बाद इनके ब्रोशर को भी पढ़ लीजिएगा, या अगर आपके पास में समय हो तो आप पहले इसको भी पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं सारे आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, सारा आप देख लेना कि क्या क्या इसमें प्रोसीजर है, सारी चीज़ें एक बार आप इनको भी पढ़ लीजिएगा, डिटेल्स को, इंस्ट्रक्शन को देख करके समझ करके आप यहाँ पे अपने फॉर्म को फिलअप कर लेना। यहाँ पे इसको आप टिक कर दोगे, टिक करने के बाद क्लिक टू प्रोसीड कर दोगे, प्रोसीड करने के बाद इस तरीके से आपके पास में पूरा फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। कुछ चीज़ें जैसे कि आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि आपका खुद का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये कुछ आपके बेसिक जो डिटेल्स होते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें, पर्सनल डिटेल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इनको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। फादर्स नेम, मदर्स नेम में काफ़ी इशू हो जाता है और लोगों के सर्टिफिकेट आने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है फिर, और फिर सर्टिफिकेट होल्ड पे भी हो जाता है। तो देखिए, ये जो पर्टिकुलर विंडो है इसको आप लोग ध्यान से फिलअप करना, और साथ में जो पासवर्ड वाला सेक्शन है, पासवर्ड अपना कहीं लिख लीजिएगा क्योंकि ये पासवर्ड आपको हर जगह काम देगा। जब आपके आंसर की आएगी, रिस्पॉन्स शीट आएगा, इनकेस अगर आपको 2nd जून को या 3rd जून को अपने फॉर्म में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो भी ये पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन और उसका आंसर भी आप लोग लिख लेना। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको आप माइंड में रखिए, शाम 5 बजे बिल्कुल लास्ट डेट है फॉर्म को फिलअप करने का। होपफुली कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर पसंद आई तो जाते जाते लाइक करके जाएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।